कल शुक्रवार 18 मई को डेडपूल 2 रिलीज हो गई। कुछ हफ्ते पहले ही मार्वल स्टूडियो के एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने धमाल मचाया था और अब डेडपूल 2 भी इसी की तैयारी में है। रणवीर सिंह की आवाज़ में डेडपूल 2 का हिंदी वर्जन खूब हंसाती भी है। फिल्म को देखकर ये लगता है कि सीक्वल बनाने का फैसला बिल्कुल सही था। डेडपूल 2 को डायरेक्टर डेविड लिच ने डायरेक्ट किया है। बात करें मेन स्टार कास्ट की तो इसमें रेयान रेनॉल्ड्स, जोश ब्रेलिन, मोरेना बैकरिन जैसी स्टार कास्ट है। अगर बात की जाए कहानी की, ओपनिंग सीक्वेंस में ही आपको पता चल जाएगा कि ये वैसा सीक्वल नहीं है जैसे कि आप उम्मीद कर रहे थे। पहले 20 मिनट में ही ये फिल्म सिद्ध कर देती है कि ये फिल्म सिर्फ फैंस के लिए ही नहीं बनाई गई है, बल्कि फिल्म इंसान के अंदर जो अंधेरा है उससे भी उभरने का रास्ता दिखाती है। फिल्म की कहानी वेड विल्सन उर्फ डेडपूल की है। कूल उसे एक्समैन का हिस्सा बनाने के लिए अपने साथ ले जाता है। एक दिन म्यूटेंट बच्चे को बचाने के चक्कर में डेडपूल कानून तोड़ देता है। वो और बच्चा दोनों साथ में जेल में रहते हैं। तभी केबल की एंट्री होती है जो उस बच्चे को मारना चाहता है। फिर शुरू होती है डेडपूल और केबल की लड़ाई। जैजी बीट्स की एक्टिंग बहुत अच्छी है। एक्शन सीक्वेंस के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है। इमोशनल सीन्स और कॉमेडी भी अच्छी है। डेडपूल 2 देखने से पहले फिल्म का पहला पार्ट जरूर देख लें। डेडपूल 2 को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, किसी भी सीन में सरप्राइज मिल सकता है। फिल्म के इंग्लिश और हिंदी वर्जन में अंतर है। हिंदी वर्जन को रणवीर सिंह ने अपने अंदाज में डब किया, उन्होंने कॉमिक अंदाज में इसकी डबिंग की है। ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से डेडपूल को दिए जाते हैं 4 स्टार।